बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ साइमा, दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज फिर मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट बनने वाली है अगर थोड़ी सी प्रेपरेशन आपने पहले की हो तो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चाइनीज़ राइस, जो कि बहुत मज़ेदार हैं, स्पेशली बच्चों के फेवरेट हैं। आप इसको जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। चावल 2 गिलास लेके मैंने बॉईल कर लिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया। उसके बाद जो चीज़ें जाएंगी वो आप देख लें। यहाँ पे बंद गोभी काट ली है बारीक, तकरीबन आधा फूल बंद गोभी का, और 3 से 4 छोटी गाजरें काट ली हैं जूलियन कट, और यहाँ पर जूलियन कट ही मैंने काट लिया है शिमला मिर्च को, तकरीबन 2 शिमला मिर्च लेके काट ली हैं, और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, ऑयल हसब ज़रूरत जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर आप कुछ भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, और काली मिर्च इसमें जाएगी हसब ज़रूरत, जितनी हमें मुनासिब लगेगा उतनी इसमें डाल लेंगे। चिकन का स्टार्च या यखनी रखी हुई 1 कप ये जाएगी, और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। और इसके साथ ये चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव, आधा किलो चिकन लेके उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो चलें देखें, यहाँ पे मैंने देगचा रख दिया है, चूल्हा जला दिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप आएगा। सबसे पहले ये लहसुन अदरक इसमें डालूँगी जो आपको बताया था, इसको हल्का हल्का मैं सौते करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा भुना नहीं जाता, भुनाई नहीं की जाती ज़्यादा। तो चलें ये मैंने डाल दिया, ये सब यहाँ लहसुन अदरक, चाइनीज़ राइस बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर इसके साथ आपको सालन वगैरह कुछ भी ना हो, ग्रेवी ना हो, तो आप इसको खाली केचप या चिली गार्लिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डालूंगी, ये जो मैंने जूलियन कट काट के रखी हुई है, क्योंकि गाजर पकने में, गलने में थोड़ा टाइम लेती है। इसको भूनेंगे, हल्की आंच पे इसको भुनाई करने से पहले थोड़ा सा इसमें मैं अपनी यखनी ऐड करूँगी। सादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर। तो चलिए इसको 2 से 3 मिनट तक मैं कवर करती हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो चलें यहाँ गाजर अच्छी तरह से सौते हो गई है, अब इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्चें इकट्ठी डाल दूंगी मैं। हीट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, मेरी तरह आप बनाएंगे तो आपके राइस बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बन गया। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, स्टेज पे अगर ऑयल कम लगे तो हम ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। तकरीबन मैंने आधी से पौनी प्याली इसमें ऑयल डाला था। जैसे ही हमारी सब्जियां भुन रही हैं, उसके साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूंगी, ये श्रेडेड चिकन है 1/2 किलो। ये भी ऐड कर दिया, तो चलें जैसे जैसे ये चीज़ें हमारी
सौते हो रही हैं, भुनाई इनकी हो रही है हल्की हल्की, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था एक चम्मच एक टेबल स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि चावलों में भी नमक हम डाल चुके हैं। अच्छा जी, उसके साथ एक टेबल स्पून ही काली मिर्च जाएगी, बाद में अगर कम लगी तो हम और भी डाल सकते हैं। ये दो चम्मच के करीब, दो टेबल स्पून के करीब सिरका जाएगा, दो से तीन, दो और ये आपके सामने तीन अंदाजे से। अच्छा जी, सोया सॉस जो है, सॉरी चिली सॉस जो है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी तकरीबन तीन से चार चम्मच इसमें जाएगी, तीन और ये चार, ठीक है जी। इसके बाद आएगी सोया सॉस की बारी। सोया सॉस भी हम बैलेंस में ही डालेंगे, तीन चम्मच, दो और ये तीन, थोड़ा सा और, चलें तीन होगी। अब फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड हो चुके हैं, ये देखिए किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, चाइनीज़ राइस। इसमें आप लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास वूस्टर सॉस है तो आप थोड़ी वो डालें, उससे भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल और डालती हूँ, क्योंकि अब चावल डालने की बारी आ गई है। तकरीबन आधा कप तेल और जाएगा इसमें। ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से सौते हो चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर रह जाए तो वो दम में पूरी हो जाएगी, जब हम इसको दम देंगे तब। तो चलिए इसमें अपने चावल ऐड करते हैं। थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करूँगी। ये मैंने फुल कुक्ड राइस लिए हैं, ये देखिए। यहाँ मैं अपना जो स्पून है वो भी चेंज करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो टूटे भी नहीं और खड़े खड़े राइस हैं। तो ये मैं स्पून चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद ये राइस डाल दूँगी आपके सामने। ये तकरीबन दो से ढाई गिलास चावल थे पुराने वाले। अगर आप राइस बॉईल कर रही हैं तो फिर आपको नए पुराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका पानी तो निकल ही जाता है। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। इसमें काली मिर्च और नमक थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा, नमक तो काफ़ी है, काली मिर्च ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करेंगे, थोड़ी साइड चेंज करूँगी। साथ साथ ही ये थोड़ा थोड़ा भून रहे हैं और साथ साथ ही मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ये देखिए राइस हमारे ऑलमोस्ट तैयार हैं, चाइनीज़ राइस। ये देखिए जितनी वेजेस नीचे थी वो सब मैं ऊपर ले आई हूँ इनको। राइस की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चावल हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसको अब मैं तीन से चार मिनट तक दम लगाऊंगी हल्की आग पे, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इनकी क्या शक्ल बनी है। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पे हमारे राइस बन चुके हैं। आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार सी लुक इनकी आ रही है, कलरफुल सी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे या मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।